मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां यानी आरटीओ चेक पोस्ट बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जाँच की जाएगी। सरकार ने अपनी राय देते हुए चेक पोस्ट बंद कर दी है, जिस कारण मध्य प्रदेश सरकार की हर जगह वाहवाही हो रही है। वाड़ी वर्धावना के गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद राव अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार का आभार माना। साथ ही एमपी में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिर सरकार ने नीति अपनाई और आरटीओ की लगाम कसने की जानकारी अग्रवाल ने दी। साथ ही अच्छी चीजों का स्वागत करना और परिवर्तन संसार का नियम हो के महाराष्ट्र में भी आरटीओ चेक पोस्ट बंद करने की मांग की गई। खुद अपने आप को ईमानदारी से काम करें और एक अच्छा भारतीय सेवक कहला सके और दूसरे ऑफिसर से वो अच्छे से पेश आए और अच्छी संस्थाओं को बताए कि कौन कौन ऑफिसर उनको जैसे अभी एमपी में तंग करते थे बंद हो गए और कौन से स्टेट में कौन तंग करते हैं और अगर कोई मिले तो उनको इज्जत देके अगर वो उनको नाजायज तंग करते हैं तो अपना नारा है सारथी भाइयों का सरकार हमारी हम सरकार की तो उनको सरकारी ऑफिसर को ये समझना चाहिए कि भाई ये भी हमारे भाई हैं ये भी सरकार की नौकरी न करके सरकार की सेवा करते हैं और सरकार की सेवा करने के बाद वाले के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वो ऑफिसर को सोचने पर मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं खूब आभारी हूँ वहाँ के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी का कि बहुत सालों से संघर्ष लोग करते आए हैं इस विषय में जो कि मध्य प्रदेश की जो चेक पोस्ट जो लूट पोस्ट थी उसे तात्कालीन रूप से बंद किया गया है 1 जुलाई से। तो मेरा यही आग्रह महाराष्ट्र सरकार से भी है कि उनको देखते हुए अपने महाराष्ट्र सरकार ने भी ये फैसला लेना चाहिए कि आम जनता को तकलीफ नहीं हो उस विषय को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी चेक पोस्ट बंद करना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चेक पोस्ट बंद करके गाड़ियों को नहीं देखना है, जो गाड़ियाँ सही है उसे उसका टाइम ना बिगाड़ा जाए उसे तुरंत उनको रिहा किया जाए पेपर देख के। मेरी आपसे यही विनती है। एनबीसी न्यूज़ के लिए बाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।